वालेकुम दोस्तों, जंग से खबर दें जहां जंग पुलिस ने दो ख़तरनाक बैनुलसुबई डाकुओं को इंजाम को पहुंचा दिया। पुलिस मुकाबला दो ख़तरनाक डाकू अपने इंजाम को पहुंच गए। सेटेलाइट टाउन के इलाके सनपाल चौक के करीब कार सवार मशकूक अफराद को पुलिस ने नाके पर जब रोका, गिरफ्तारी के खौफ से घबरा कर मशकूक मुलजमान पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फसलों में छुप गए। साथ ही मुलजम की अंधाधुंध फायरिंग की जद में आकर दो मुलजमान हलाक हो गए, बाकी फरार होने में कामयाब हो गए। जंग पुलिस ने मज़ीद तफसीलात बताते हुए कहा कि हलाक मुलजमान की शनाख्त नासिर वल्द अहमद अली और फियाज वल्द अहमद अली, ये दोनों भाई हैं, कौम काठिया सकना हड़प्पा सहीवाल के नाम से हुई जो डकैती और राबरी समेत दर्जनों संगीन वारदातों में मुख्तलिफ अजला की पुलिस को मतलूब थे। बक्या मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए नवई इलाकों में एलर्ट फोर्स समेत पुलिस की भारी नफरी का सर्च ऑपरेशन जारी है। DPO जंग कैप्टन रिटायर बिलाल इफ्तखार कियानी की तरफ से SHO थाना सेटेलाइट फैसल रजाक कालू को शाबाश और मुतहरक रहने की हिदायत दी। शहरों की जान और माल की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। DPO कैप्टन रिटायर बिलाल इफ्तार खियानी जंग अमन दुश्मनों के खिलाफ कामयाबी पुलिस की मेहनत और जरूरतमंदी का मुंह बोलता सबूत है। DPO जंग का ये कहना है पुलिस की बड़ी कार्रवाई दो खतरनाक डाकू जो है वो अपने पार लगा दिए। जंग पुलिस ने ये स्टाइल टाउन के इलाके सनपाल चौक के करीब मशकूक कार को जब पुलिस ने नाके पर रोका तो फायर खोल दिए गए और फसलों में छुप गए। फायरिंग के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर ये दो भाई डाकू हलाक हो गए, बाकी जो मुलजमान थे वो मौके से फरार हो गए। एलर्ट फोर्स की एहलकार उनके पीछे हैं। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।